जो सिचुएशन है, जो तैयारी है वो आपको नज़र आ रही है कि पिछले 6-7 घंटे से नॉन स्टॉप कराची भर में बारिश हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अभी तक जो हमारा हिकमत अमीर थी उसने सही तरीके से काम किया और आपको उस तरीके से पानी नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक वजह तो ये है कि जो हमने अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अब की बार जो चोकिंग पॉइंट थे उसके ऊपर पहले से हमने अमला तैनात कर दिया, मशीनरी को मोबिलाइज़ कर दिया। मेरे लेफ्ट से आप देखेंगे मशीनरी है, मेरे राइट से आप देखेंगे मशीनरी है, पीछे आपको सैनिटरी स्टाफ नज़र आ रहे हैं, तो लोग मौजूद हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं शारे फैसल से भी वो क्या आ रहा हूँ, जो जहरी नाला है उसमें आज रात को 11:30 बजे भी हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स थे वो नाले के अंदर थे और वो उन पत्थरों को बाहर निकाल रहे थे, जो गंद वाला थी उसको बाहर निकाल रहे थे। तो मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं KMC के वो वर्कर्स, DMC के वो वर्कर्स, सॉलिड वेस्ट के वाटर बोर्ड के वर्कर्स और हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है जिन्होंने तमाम मुश्किल हालात के बावजूद चीज़ों को कंट्रोल करने की एक अच्छी संजीदा जेन्युइन कोशिश की है और वो आपके सामने नज़र आ रही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आउट ऑफ कंट्रोल बारिश होती है तो बारिश को रोकने की पेशन गोई तो ये लोग PTI वाले ही कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी देगी मुर्तज़ा साहब, नाकाम हो गया। उसमें एक गलती हमसे ये हो गई कि बारिश को हम रोक नहीं पाए, लेकिन हाँ जब बारिश आती है और बारिश का पानी आता है तो उसको निकालने के लिए जो इंतज़ाम होने की ज़रूरत है उसकी हद तुल इम्कान हमने कोशिश की है।